हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता गोल्ड फैक्टर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 26 और 27 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को कितना कर्ज उपलब्ध कराने की एक योजना। ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन बी है 12,000, ऑप्शन सी है 50,000, ऑप्शन डी है 1,00,000। प्रधानमंत्री ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा की है। प्रमुख तत्व पारदर्शिता, विश्वसनीयता और गति सुनिश्चित करने के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से एंड टू एंड समाधान पर संतोष किया। अब तक 2.6 लाख आवेदन मिल चुके हैं, जिसमें 64,000 की को स्वीकृत मिल चुकी है और 5,500 को भुगतान भी किया जा चुका है। आइए देख लेते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम आल्सो नोन एज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ये पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है और इस योजना में 10,000 का लोन उपलब्ध कराया जाता है स्ट्रीट वेंडर को। सेंटर ने इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो 50,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स यानी के रेहड़ी और पटरी में रहने वालों को ये इसका लाभ मिलेगा। दिस स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम 2 जुलाई ऑल ओवर द कंट्री, यानी 2 जुलाई 2020 को इस योजना को स्टार्ट किया गया है। अब ये योजना क्यों स्टार्ट की गई, ये योजना COVID-19 के कारण जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है जिनका बिजनेस पूरी तरह डैमेज हो चुका है, उनको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए इस योजना को लाया गया है। नेक्स्ट है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में होगा। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हरियाणा में होने की घोषणा की है। पृष्ठभूमि देखते हैं क्या है। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया स्कूल गेम की शुरुआत जनवरी 2018 में की थी। पहले ये योजना खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से ये शुरुआत हुई थी इसकी, बाद में इसे खेलो इंडिया यूथ गेम के नाम से हम जानते हैं। खेलो इंडिया ऐप 27 फरवरी 2019 को खेलो इंडिया ऐप लॉन्च किया गया था, नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में खोली गई है 16 मार्च 2018 को। और हरियाणा को अगर खेल राजधानी के रूप में कहा जाता है, ये भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं इसी राज्य से निकले हुए हैं, चाहे वो पहलवान योगेश्वर, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक या विनेश फोगाट हो, या पैरा एथलीट दीपा मलिक हो, या एथलीट नीरा चोपड़ा हो, या मुक्केबाज अमित पंघाल और निशानेबाज मनु भाकर अमित भानवाला हो। नेक्स्ट है युवा कार्यक्रम नेक्स्ट है वन धन योजना के संबंध में उपर्युक्त कथनों में सही चुनाव करें। एक है, गैर लकड़ी के छोटे वन उत्पाद वन की वास्तविक संपत्ति का उपयोग करके जनजातियों की आजीविका का उत्पादन करना। दूसरा है, इसकी शुरुआत जनवरी 2019 में किया गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान के लिए आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती के साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य तथ्य क्या है इसके, आदिवासी को आजीविका प्राप्ति में सक्षम बनाने के लिए 2600 से अधिक संस्थान जुड़ेंगे और आदिवासियों को
नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, उत्पाद नवाचार, मेंटरशिप और परिवर्तनकारी डिजिटल प्रणाली से अवगत कराना तथा आदिवासी लोगों को विकास के मुख्य धारा में लाना इसका क्या है मुख्य उद्देश्य भी है। और विज्ञान भारती और विज्ञान भारती अपने स्थानीय प्रकरणों के माध्यम से वंदन योजना को मजबूती प्रदान करने और हितधारकों तक पहुंच स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए वंदन योजना के बारे में देख लेते हैं। जीवन स्तर में सुधार के जरिए जनजाति समुदायों का सशक्तिकरण। सबसे पहले वंदन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजापुर छत्तीसगढ़ से की थी। योजना की विशेषताएं क्या है? 30 जनजातियों के 10 स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के साथ साथ आर्थिक मदद भी दी जाएगी। तो ऐसे ही इसके बहुत सारे विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है ट्राइफेड के बारे में देखते हैं। ट्राइफेड भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ये है, ये ट्राइफेड किसके अंतर्गत आता है? जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत। जनजाति मंत्रालय का ये शीर्ष संगठन के रूप में है। नेक्स्ट है कारगिल द्रास मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कारगिल की बात करते हैं तो कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के ऑपरेशन बद्र, इसको ध्यान रखना है, ऑपरेशन बद्र किसने चलाया था? तो पाकिस्तान ने चलाया था, जिसका जवाब देते हुए भारत ने भी ऑपरेशन विजय चलाया था। और 60 दिन चले इस युद्ध में अंततः 23 जुलाई को इस युद्ध में विजय पाई थी, जिसको हर सॉरी यहाँ 23 जुलाई लिखा हुआ है, 26 जुलाई है ये, 26 जुलाई को युद्ध की समाप्ति हुई थी और भारत विजयी हुआ था, जिसे प्रतिवर्ष हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और बात करते हैं CDS की, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो कौन है? बिपिन रावत। थल सेना प्रमुख कौन है? MM नरवाणे। वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल RKS भदौरिया। और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ अपनी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सुनिश्चित करेगी? ऑप्शन नंबर ए है Amazon, ऑप्शन नंबर बी है Flipkart, ऑप्शन नंबर सी है Snapdeal, ऑप्शन नंबर डी है गवर्नमेंट ई मार्केट यानी GEM। भारतीय रेल सरकारी ई मार्केट के साथ डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण से अपनी वस्तुएं और सेवाओं की खरीद सुनिश्चित करेगी। मुख्य तथ्य क्या है इसके? भारतीय रेल हर साल 70,000 करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करती है। भारतीय रेल ई खरीद प्रणाली यानी कि इंडियन रेलवे ई परचेसिंग सिस्टम IREPS और GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट का एकीकरण करने की भी इसमें बात की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देना है। खरीद में स्थानीय सामग्री के नियम की आवश्यकता और स्थानीय वेंडर्स की भागीदारी का निर्देश है। तो क्या होगा अगर स्थानीय वेंडर्स की भागीदारी होगी? तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और मेक इन इंडिया के तहत ही क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा। तो यहाँ पास हम समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में मेक इन इंडिया की भूमिका क्या हो सकती है, इस न्यूज से हमको मिलती है। आत्मनिर्भर भारत योजना की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई है? 12 मई 2020 को हुई है, जिसमें
20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था। आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैं, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड। ये इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई है? 1959, 1949, 1939 या 1947? 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 82वीं स्थापना दिवस को मनाया है। CRPF पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को हुई थी। उस समय इसको क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के नाम से जाना जाता था। फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तब 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदल करके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके महानिदेशक कौन है? AP महेश्वरी। नेक्स्ट है, आज हम राज्य विशेष में हरियाणा की बात करेंगे। राजधानी क्या है इसकी? चंडीगढ़। और सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है, जिसकी और हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462 है और इसमें 22 ज़िले हैं। ये 22 ज़िले मैप में दिख रहे हैं, जिसमें सरीसा, फरीदाबाद, हिसार और अन्य हैं। राजभाषा यहाँ की क्या है? हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी चलती है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 90 सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 5, लोकसभा सीटें 10। राष्ट्रीय उद्यान, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं यहाँ, सुल्तानपुर, कालेश्वर। अभ्यारण्य की बात करते हैं तो भिंडवास, खापरवास, छिलछिला, अबूब शहर, सरस्वती नहर अभ्यारण्य। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।